दोस्तों, आप सभी ने सोलुंग, अतर, आरान जैसे फेस्टिवल के बारे जरूर सुना होगा, मगर क्या आपने कभी जियांग फेस्टिवल के बारे सुना है? अगर नहीं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। इंक्योंग से 10 किलोमीटर की ओर सिमोंग बस्ती में जियांग फेस्टिवल को एवरी 3 ईयर्स के बाद मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है, इस फेस्टिवल से पहले बस्ती के लोग पहाड़ों से पॉइजनस प्लांट एकोनाइट लेने जाता है, जिससे बस्ती के लोग अपने तीर में लगाकर जंगली जानवरों का शिकार किया जाता है। मगर आज के समय जंगली जानवरों पर शिकार करने पर पाबंदी लगाया गया है। बस लोग अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए आज भी जियांग फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम लोग यहाँ में सिमोंग में जियांग का फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल जो है स्पेशली लोरका के लिए करता है। यहाँ में हर 3 साल में ये फेस्टिवल एक बार होता है। ये इसमें भोजन अलग है, इकोनेताम बोलते हैं इसको। इसके अंदर में पॉइजन है। ये पॉइजन कैसे लिया? ये तो पहाड़ी एरिया से हम लोग लेता है। स्पेशली इसका हम लोग ये तीर में लगाता है, ये इसीलिए यूज करते हैं। हाँ, तीर में। ये भी नापर है पहाड़ का, ये भी इसको यहाँ से नहीं लेता है। हिमालयन रीजन स्पेशली ये हम लोग को हिमालयन रीजन में मिला जाता है। अल्पिन जोन, अल्पिन एरिया में मिलता है इसका। अभी यहाँ बुजुर्ग रेडी हो रहा है। ये मेरा ये भी माला पहन के आज हम लोग का ट्रेडिशनल है। अपना ट्रेडिशनल आज हम लोग यूज करेंगे। मंत्रा अभी रेडी कर रहा है। अभी काफी सब यहाँ पे गैस तो अभी रेडी हो रहे हैं। इसका जो भैया है वो आप हमें जो यहाँ का अरे ट्रैक्स का जो जियांग फेस्टिवल के बारे थोड़ा समझेगा। यहाँ में अभी रेडी हो रहा है, इसको बाद में हम यूज करेंगे। वो कपड़ा है? कपड़ा है। हाँ, वो कपड़ा कैसे लिया है? ये कपड़ा अभी ये तो बाहर का, हम लोग ऐसे नहीं मिलते, बाहर से आता है। पहले तिब्बत से हम लोग सब कुछ सामान लिया था। ये सब तिब्बत से मिलता है। तो तिब्बत का कपड़ा है वो ना? तिब्बत का कपड़ा है। इसके अभी आप सब तैयार हो रहे हैं? तैयार हो रहा है, अभी रेडी होगा। तैयार होकर अभी कहाँ जाएगा? तैयार होकर जितना बस्ती यहाँ में आएगा यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे अपना फेस्टिवल। अच्छा, अपना फेस्टिवल यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो अभी सब यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, तैयारी हो रहा है सब। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब साथ में बैठा हुआ है बस्ती का लोग। इसके बाद सब अभी तैयार कर रहे हैं। वो लोग सब एक कम्युनिटी हॉल में जाएगा। गाइस, आज हम इंक्योंग से 10 किलोमीटर दूर एक बस्ती में आए जी हाँ फेस्टिवल मनाने के लिए। ये बस्ती का नाम है सिमोंग विलेज। एंड अभी आप सब देख सकते हैं कि मैं पीछे में यहाँ पे जो बस्ती का लोक है ये सब सिमोंग का लोक है, तो यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। इसके बाद वहाँ पे भी आप देख सकते हैं माय चाइल्डहुड फ्रेंड, सो ही इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड। बहुत दिन का बाद मिला है। सो देख सकते हैं कि एक वॉरियर इज रेडी होके बैठा है। सो गाइस, ये फेस्टिवल का नाम है जियांग फेस्टिवल। ये आदि फेस्टिवल है, आदि फेस्टिवल है, लेकिन ये एवरी जो हर आदि नहीं मनाते इसको, बस सिमोंग का जो लोक है वही ये फेस्टिवल को मनाया जाता है। इसका ये फेस्टिवल में जो होता है यहाँ पे हंटिंग करता है। इसके बाद हंटिंग करके जो एनिमल्स होते हैं वो सब का मेला चलता है। लेकिन अभी 2021 है, ये हंटिंग को यहाँ पे बैन कर चुका है, तो अभी हंटिंग नहीं होता है। इसका जियांग फेस्टिवल एक्चुअली क्या सीच है, इसको कैसा मनाया जाता है, इसको जानने के लिए हम बाद में बस्ती का लोग से आप सबको मिलवा देगा। तो फिलहाल आप यहाँ पे रेडी हो रहे, रेडी होकर एक कम्युनिटी हॉल में जाएगा आगे। इसके बाद वापस जियांग फेस्टिवल का जो ये सब होता है वो सब आप सबको दिखा देगा। जो हैंडमेड है और ये कपड़ा एकदम मॉडर्न है, जो ट्रेडिशनल लोरिक, टेल मी कैसा लग रहा है? दिस इज वंडरफुल। दिस इज द ट्रेडिशनल ऑफ द बॉय दैट मतलब वो बाहर जाएगा कि मतलब वो उसका उम्मीद के लिए मतलब एक फेस्टिवल मनाया जाता है कि मतलब एक वॉरियर लड़का जिससे हो, ताकि वो गांव का एक बंदा जो है उधर जाके मतलब वो पहाड़ में जाके आना है, उसका फिर आके जाना है, फिर आके हमें आना है। तो वो लोग को वेलकम किलिंग के लिए, वेलकम किलिंग के लिए जो है और ये है मतलब फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि सेक्रीफाइस करता है मिथुन अपोन और ये के लिए। Oh, 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 oh
थैंक यू। ओके गाइस, तो अभी हम सब एक लिपरीगढ़ में, इसके बाद हमें अब लोकल वाइन जो है ये पीने को दिया, बहुत मीठा है। इसके बाद मेरे बगल में है बोली अने एंड बस्ती का दादी माँ लोग भी है। का पारून नपुर नपुर अने ले जाओ इसका, यहाँ पे भी है लिपुर, वो भी लिपुर है। एंड मेरा दोस्त मिस्टर तागो कोयांग एंड यहाँ पे है लिपुर घर का मालिक जो है, ये घर का मालिक है। तो यहाँ पे हम नगीन वाइन पी रहे हैं, बहुत अच्छा है। हे गकान देख सिंह मालूम मग बुआ, आप कोई बात करेगा गकान देख सिंह? हे सांजी जोंग बु हे कारम लिपुर, आज हम लोग यहाँ जिहांग फेस्टिवल था। तो जिहांग फेस्टिवल खत्म होने के बाद हम लोग माने पानी बोलता है, वो छोटा छोटा बच्चा लोग यहाँ में आता है। तो ये गौर है, हम मेरा छोटा भाई का गौर है। आज हम लोग जिहांग फेस्टिवल के लिए इसको बेटा को ये किया था। आज हम लोग आराम से हमें बैठ रहे हैं शांति से। ठीक ठीक ठीक, इंजॉय जा रहा है, हम लोग भी इंजॉय जाएगा, शाम को जाएगा। और ये हमारा यंग है, और हमारा ये हमारा है घर ना। और उसके बाद हम अपना घर में आ रहा है, और यायोलू का पास यायो या में काना कर रहा है। यायो प्लीज कंटिन्यू यायो, माँ यूट्यूब में डाल रहा है ये। यायो हाय कर दो मुझे, और आप ये आयो हाय हाय कर दो। तो भैया जी, आप आपका नाम बता दीजिए, इसका आज का जो जियांग फेस्टिवल है इसके बारे में बता दीजिए। मेरा नाम ये है ओन्योक डंगन है, और ये जो अभी आप लोग जो लोकेशन में आए हैं, ये मतलब डंगन पयांग बोल के हम लोग का कम्युनिटी यहाँ में एकजुट बैठा हुआ है। और सिमोंग में जैसे कि क्लान वाइज सीवो सीतक लितिन लिबांग वो मतलब एक बस्ती में रहते हैं, लेकिन लाइक वाइज एक कॉलोनी टाइप का ही रहता है सब जो। तो उसी तरह से मेरा ये विलेज है। तो ये सान भाई आया हुआ है हम लोग का यहाँ में, ब्लॉगर्स है, और आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक्स एंड सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छे ब्लॉगर्स है ये और बहुत अच्छे यूट्यूबर्स है। तो जैसे ये अभी जिहांग का बारे में थोड़ा आपको इसका वीडियो में जो दिखाया था, जो हम लोग का जो ट्रेडिशनल आइटम है, तो ये चीज ऐसे है कि आपका घर में अगर सिमोंग कम्युनिटी में सिमोंग विलेज में आपका घर में अगर एक बेटा हुआ, तो मेरा बस्ती में एक बेटा हुआ है, सिमोंग बस्ती में एक बेटा हुआ है, तो ये बेटा को रजिस्ट्रेशन के लिए
वहाँ पे जाना पड़ेगा, जिसको हम इको डंपिंग बोलते हैं, जो अभी बहुत ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया में। पहले का एंसेस्टर समय में एकोनाइट एरो में यूज करता था या फिर बॉ में यूज करके उसको हंटिंग के लिए यूज करता था, और वार में भी उसका यूज होता था। तो इसी तरह से आपका, जैसे कि आपका एक बेटा हो गया तो एक बस्ती में रजिस्ट्रेशन होगा बेटा का नाम से, कि एक बेटा हुआ है बस्ती का, सिमोंग बस्ती का अंदर में, और एक ये वहां से एकोनाइट लेके आना, मतलब उसका साइन ऑफ वॉरियर है। तो इसी तरह से मतलब ये फेस्टिवल हम लोग का एंसेस्टर समय से चलते आ रहा है, आज भी चल रहा है, और ये बहुत बड़ा रिचुअल फेस्टिवल है हमारा। रिचुअल जब तक हम लोग यहाँ पे है, हमारा रिचुअल फेस्टिवल को हम लोग कभी गायब होने नहीं देगा। ऑलमोस्ट ये फेस्टिवल मतलब आदि कम्युनिटी एरिया में गायब हो चुका है, क्योंकि हम लोग अभी तक प्रिजर्व करके रखा है। अल्लाह